जहाँ भी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होती है इधर उसको चैन से नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी के लोग। अगर सरकार चलेगी तो बीजेपी की चलेगी वरना नहीं चलेगी। उसको तोड़ो मोड़ो, किसी भी प्रकार से जो हाईजैक करने का एक मंशा है। शिवसेना के 50 से ज़्यादा विधायकों ने एके नाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से बागी हो गए हैं और वो महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात चले गए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तमाम विधायकों को अपने हिसाब से अपने जगह पे रखा है। इसको लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर जगह मेरी ही सरकार रहे। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव। महाराष्ट्र में जो कुछ देख रहे हैं क्या कहेंगे? सब लोग को पता ही है जहाँ भी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होती है इधर उसको चैन से नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी के लोग। हर तरीके से, हर ताकत से जो है चाहती है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको स्टेबल ना किया जाए, उसको तोड़ो मोड़ो, किसी भी प्रकार से जो हाईजैक करने का एक मंशा है पूरे देश भर को जो है हाईजैक करके रखना है। अगर सरकार चलेगी तो बीजेपी की चलेगी वरना नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही राष्ट्रपति के चुनाव में बिहार में आप लोग हो ही क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं और कहा जा रहा है बिहार में भी ऐसा ही होगा। यार बाइट दे रहे हैं आज मनीष। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर और आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह रहा है कि जो मेरा नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा। साफ तौर पे महाराष्ट्र मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से तमाम विधायकों जो है बागी हो गए हैं, महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात चले गए हैं और कहा जा रहा है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन में हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है, जिसके बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि अब महाराष्ट्र की सरकार जो है वो जाना तय माना जा रहा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला है, कहा कि जोड़ तोड़ करना इनका पुराना काम रहा है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हो रहा है वो कहीं से सही नहीं है। ये लोग हर जगह अपनी ही सरकार चाहते हैं। ऐसे में जो महाराष्ट्र में हुआ है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिवसैनिक के ज़्यादातर विधायक जो है एकेनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से बागी हो गए हैं और साफ तौर पे वो महाराष्ट्र आ भी नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ लेकिन तमाम विधायक एक बार बात तो कर ले, अगर उनकी इच्छा है कि बात हम इस्तीफा दे दे तो हम इस्तीफे के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तोड़ जोड़ कर रही है वो कहीं से भी ठीक नहीं है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिवसैनिक, जो शिवसेना के विधायक है उनको तोड़ने में कामयाब होते जा रही है। चूँकि एके नाथ शिंदे के नेतृत्व में 50 से ज़्यादा विधायक कहे जा रहे हैं कि महाराष्ट्र छोड़ गए हैं और वो गुजरात में फिलहाल शरण लिए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया है।